मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम तेजस्विनी के क्रियान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभागों द्वारा संयुक्त रूप से गतिविधियों को संचालित करने के संबंध में बैठक हुई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री पटेल ने प्रतिभावान छात्रों को पदक और विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के मान सरोवर सभा कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ एवं विधानसभा के अन्य सदस्यों के साथ बिछड़े कई बारी बारी पुस्तक का विमोचन किया। दुनिया में खुशियां बांटने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। श्री मोदी का जीवन हम सबके लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत है। नन्ही खुशियां कारवा कार्यक्रम के अंतर्गत हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कही यह बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विधायक साथियों को सपरिवार रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री निवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। जबलपुर के जानकी बैंड द्वारा विशेष प्रस्तुति दी गई। प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुलाई बैठक। गृह व नगरीय विकास मंत्री एवं महाधिवक्ता तथा प्रमुख सचिव ला रहे मौजूद। तेंदुओं की खाल एवं हड्डी सहित तीन आरोपी हुए गिरफ्तार। बिछिया पुलिस ने की कार्यवाही। आरोपी मोटरसाइकिल से मंडला की ओर जा रहे थे। संदेह के आधार पर तलाशी के दौरान पकड़ाई खाल। फाइन स्पोर्ट्स क्लब और सुपर वॉरियर्स पहुंचे सेमीफाइनल में। सोमवार को दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में फाइन स्पोर्ट्स क्लब ने आरएस बॉयज को 48 रनों से दी मात। अनुराग पांडे रहे मैन ऑफ द मैच। पंचायत निर्वाचन प्रेक्षक श्री खरे ने किया एआरओ केंद्रों का निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिए विस्तृत निर्देश। केंद्रों में नामांकन प्रक्रिया के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं का विस्तार से लिया जायजा। 21 दिसंबर दिन मंगलवार को मंडला में स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा का होगा नगर भ्रमण। बुधवारी में होगी जनसभा। उदय चौक में किया जाएगा रथ यात्रा का भव्य स्वागत।